नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। चैप्टर 12 चल रहा है हमारा, ये अपना आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। चैप्टर 12 जो है वो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो हमने इसका पूरा पार्ट क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर इसमें हम लोग बस रिवाइज करेंगे, जो भी चीज़ भी हमने पढ़ा है इसको एक बार हम लोग उस चीज़ को रिकॉल करेंगे। शुरू करते हैं पहले नंबर से, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है तो पहले हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल का होता है और कांस्टेंट का होता है। और वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ से जुटे होते हैं, कैसे जुटे होते हैं, एडिशन के द्वारा जुटे होंगे या सब्ट्रैक्शन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा। जैसे कि मैं देखूँ, ये देखिए 4xy plus 7, ये 4xy अब 7 क्या है, 4xy plus 7 ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दूँ, ये xy जो है वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, और xy का जो कोफिशियंट होगा वो 4 होगा, ठीक है। और y का कोफिशियंट क्या होगा, 4x होगा। x का कोफिशियंट क्या होगा, 4y होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशियंट पूछा जाए तो उस वेरिएबल को छोड़ के जो भी उसके आसपास वाले हैं उसको हमें बोल देना। जैसे कि x का वेरिएबल पूछ, x का कोफिशियंट पूछा जाए तो 4y बोलिएगा, y का कोफिशियंट पूछा जाए तो 4x बोलिएगा। अगर x का सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशियंट पूछा जाए तो 4 पूछिएगा बोलिएगा, और y का सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशियंट पूछा जाए तो 4 बोलिएगा। समझ गए, ये 7 क्या है, कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कोफिशियंट से। इतना समझ गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या होता है। और चीज़ और देखिए, एक ही एग्जांपल लेके हम सब चीज़ समझाएंगे। 4x plus 7 है, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसमें टर्म्स किसको बोलते हैं, टर्म्स जैसे कि ये देखिए, टर्म्स ये हुआ 4xy क्या है, टर्म्स है, और 7 क्या है, एक टर्म्स है। इसको कैसे इकट्ठा किया गया है, जोड़ के इकट्ठा किया गया है, प्लस का साइन के साथ इकट्ठा किया गया है। तो इंग्लिश में क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं, एक्सप्रेशन आर मेड ऑफ टर्म्स। एक्सप्रेशंस जो बनते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, वो टर्म्स के द्वारा बनते हैं। टर्म्स आर एडेड टू मेक एन एक्सप्रेशंस, मतलब कि टर्म्स को हम जोड़ते हैं किसके लिए, एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द एडिशन ऑफ टर्म्स 4xy, 4xy का एडिशन और 7 का एडिशन जो है वो क्या है, एक हमें टर्म्स देता है। जो टर्म्स क्या है, 4xy plus 7। मैं आपसे पूछूँ ये कितने टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे सर 4xy एक टर्म्स है और एक 7 एक टर्म्स है, तो मतलब कि दो टर्म्स का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसको बाइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्ट है, ए टर्म इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये जो टर्म है 4xy एक टर्म है और 7 एक टर्म है, तो 4xy का फैक्टर बोला जाए तो 4 होगा एक, x होगा एक और y होगा, ठीक है, समझ गए। और 7 का फैक्टर बोला जाए तो 1 और 7 बोल सकते हैं, 1 × 7 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है फैक्टर का। द टर्म 4x इज द एक्सप्रेशन 4xy इज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर एक्स वाई एंड 4। 4xy एक टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसका प्रोडक्ट क्या है, 4xy 4 है। फैक्टर्स कंटेनिंग वेरिएबल्स आर सेड टू बी अलजेब्रिक फैक्टर्स। ऐसा फैक्टर्स जो क्या करते हैं, वेरिएबल को कंटेन्स करते हैं, उसको हम लोग अलजेब्रिक फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये 7 जो है वो अलजेब्रिक फैक्टर्स नहीं है, कांस्टेंट है। अलजेब्रिक फैक्टर बस उसी को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल हो, जिस एक्सप्रेशंस में वेरिएबल हो, जिस टर्म्स में वेरिएबल्स हो। 4xy में वेरिएबल है तो ये अलजेब्रिक फैक्टर है। कोफिशियंट मैंने आपको इसी में बता दिया था, जैसे कि द कोफिशियंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर इन दिस टर्म, समटाइम्स एनी वन फैक्टर इन ए टर्म्स इज कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था 4xy, xy का क्या होगा, कोफिशियंट 4 होगा। x का कोफिशियंट क्या होगा, 4y होगा। y का कोफिशियंट क्या होगा, 4x होगा। न्यूमेरिकल कोफिशियंट पूछे तो नंबर वाला जो कोफिशियंट है, जैसे 4 है तो वो 4 हो जाएगा, तो 4 पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। 5 पार्ट देखते हैं, एनी एक्सप्रेशंस विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशंस जिसके दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हो, वन और मोर टर्म्स, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि एक टर्म्स होगा तो वो मोनोमियल्स हो गया ना, पॉलिनोमियल्स होने का सवाल ही नहीं है। पॉलिनोमियल्स मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, स्पेशली ए वन टर्म्स इज कॉल्ड ए मोनोमियल। एक टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जैसे 4xy, इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। आज जैसे कि 4xy plus 7, इसमें दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल बोलेंगे, मान लो 4xy plus x plus 7, इसमें तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, समझ गए। चलिए
एक बार इसको कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक टर्म या उसके ज़्यादा टर्म्स को पॉलिनोमियल बोलते हैं या दो या उससे ज़्यादा टर्म्स को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, देखेंगे दूर करेंगे कन्फ्यूजन को, आपसे मिलेंगे हम। छठा है टर्म्स विच हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर आर लाइक टर्म्स। देखिए टर्म्स जिसका सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो उसको लाइक टर्म्स बोलेंगे। एल्जेब्रिक फैक्टर्स मतलब कि वेरिएबल्स वाला फैक्टर, सिर्फ यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एल्जेब्रिक फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब क्या होगा, वेरिएबल्स वाला फैक्टर। जैसे कि 4xy प्लस 9xy प्लस 2x प्लस 4, इसमें पूछो कि इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स है, तो आप बोलेंगे एल्जेब्रिक फैक्टर इसका xy है, इसका भी xy है, मतलब वेरिएबल दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, मतलब सेम डिट्टो होना चाहिए तभी जाकर वो लाइक टर्म्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स क्या हुआ, जिसके वेरिएबल जिसका एल्जेब्रिक फैक्टर सेम ना हो, अनलाइक हो, वो हो गए जो डिफरेंट हो, वो हो गए अनलाइक टर्म्स हो गए। दस टर्म 4xy एंड -3xy आर लाइक टर्म्स, क्यों, क्योंकि xy इसका भी फैक्टर है, xy इसका भी फैक्टर है, बट टर्म्स 4xy एंड -3x आर नॉट लाइक टर्म्स, क्यों, क्योंकि इसमें xy है और इसमें सिर्फ x है, समझ गए। चाहता देखिए द सम और डिफरेंस ऑफ टू लाइक टर्म्स इज लाइक टर्म्स विद द कोफिशिएंट इक्वल टू द सम और डिफरेंस, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें जोड़ना है 8xy -3xy, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स को ही आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम लोग गुना कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, लाइक टर्म्स को हम लोग चारों चीज़ कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, समझ गए। तो कैसे जोड़ेंगे, हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल्स है उसको, वेरिएबल्स को सेम टू सेम लिख देना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को जो साइंस के द्वारा दिया गया है, साइन माइनस का साइन है तो 8 में से 3 है तो 5, इसकी जो वैल्यू आई 8xy में से 3xy घटा तो 5xy आई है, समझ गए। ये चीज़ इतना चीज़ ये इंग्लिश में बताया गया है तो मैंने आपको ऐसे बता दिया समझने के लिए, ठीक है। आठवा है व्हेन वी ऐड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस द लाइक टर्म्स आर एडेड एज साइन द अबव द अनलाइक टर्म्स आर लेस एज देयर। इसका कहने का मतलब ये है कि दो लाइक टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं, -3xy इसको जोड़ के, ये इसको घटाया तो 5xy आया, ठीक है। दो अनलाइक टर्म्स हमने लिया, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं जोड़ सकते हैं तो फिर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट एज दे आर, जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना है। नहीं समझ में आए तो पूछना भी है, छोड़ नहीं देना है, ठीक है। नौवा देखते हैं इन सिचुएशन सच एज सॉल्विंग एन इक्वेशन एंड यूजिंग ए फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशंस। वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशंस मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है 7x-3, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अगर आपसे पूछे इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या होगा तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे इस वेरिएबल x का वैल्यू बताओ, तभी मैं इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी कंटेन कर सकता है। वेरिएबल मतलब क्या है, चर है। चर मतलब कि क्या है, मतलब कोई भी मान अपने आप में रख सकता है। तो आपके मार साहब बोल रहे हैं कि इस एक्स की जगह पे आप दो रख के बताओ इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की जगह पे आपने दो रखा, 7 × 14 में से 3 गया तो कितना हुआ, 11। इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू 11 होगी। कब हमने वैल्यू पता किया, जब इस वेरिएबल्स का हमें वैल्यू पता होने दिया, किसने, अपने मार साहब ने। मार साहब ने एग्जाम में आपके कौन रहेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें दिया होगा। जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपको दिया है मान लीजिए 7x-3, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हेन जब x बराबर क्या हो, 5 हो, तो x के यहाँ पे आपको 5 पुट कर देना है, -3 35-3=32 आ गया, समझ गए। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू हम तब पता कर पाएंगे जब हमें वेरिएबल का वैल्यू पता हो, वेरिएबल की वैल्यू ना पता हो, वेरिएबल की वैल्यू पता कैसे निकलेगी, वो दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर आपके मार्क्स आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये टॉपिक है, नोट्स चल रहा है, नोट्स को एक एक करके देखेंगे। रूल्स एंड फार्मूला इन मैथमेटिक्स आर रिटन इन ए कंसाइज एंड जनरल फॉर्म यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने जो क्वेश्चंस बनाए थे, जैसे कि ये 6 है, ये 6 है, ये डिजिटल वॉच और डिजिटल कैलकुलेटर वाला नहीं बताया था, तो इसका हमने एक जनरल फार्मूला निकाला था। कैसे किया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के द्वारा ही किया था। मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल का हम एग्जांपल लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि इस रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। लेंथ भी वेरिएबल है और ब्रेथ भी वेरिएबल है, तो लेंथ के जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए 3, ब्रेथ के जगह पे मान लो वैल्यू 2 है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें पता चल जाएगा 6 cm², मान लो जी सेंटीमीटर में हो तो, ठीक है। अगर एल की जगह पे मान लो 4 है, बी की जगह पे 4 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। एल की जगह पे 4 है, बी की जगह पे मान लो कितना है, 3 है, तो 12 cm² हो जाएगा। जैसे ही
वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी, आपका एरिया का भी वैल्यू चेंज होगा। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के द्वारा हम लोग फार्मूला भी बना सकते हैं, उसको कॉन्साइज मैनर में लिख सकते हैं। ठीक, कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, छोटे फॉर्म में लिखना किसी चीज़ को, जनरल फॉर्म में लिखना, समझ गए। चलिए अब मान लीजिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था और कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इवन नंबर को कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था 2n से करेंगे, ठीक है, और ऑड नंबर को कैसे करेंगे, 2n प्लस 1 से करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्या हो गया, ये इवन नंबर मतलब कि सम संख्या है, सम संख्या उसको बोलते हैं जो दो से कटे, दो से मतलब डिविजिबल हो, और इवन नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो। ठीक, तो ये हो गया आपका इवन नंबर का, सॉरी ये हो गया आपका ऑड नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हो गया आपका इवन नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या जो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ से अनगिनत तक जाए, संख्या। तो इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत खुशी की बात है कि चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत लंबी चैप्टर थी ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 के साथ, देखते हैं क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने चेक किया पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, कि मैं भूल गया था बताना आपको, पॉलीनोमियल बोलेंगे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म्स हो या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स हो, उसको हम लोग पॉलीनोमियल बोलेंगे, बहुत पद बोलेंगे। ठीक है, समझ गए, चलिए बाय बाय। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताइएगा कि भाई चल चलते पढ़ते हैं, सर ने टॉपिक डाल दिया। ठीक है, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 के साथ, नया जोश नया उत्साह के साथ और नए चैप्टर के साथ। देखते हैं कौन सा टॉपिक है, एक एक करके सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।